अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आपकी दुआओं से हम सब भी खैरियत से। तो जैसे कि आप लोग को तो हमारा फेस दिख ही रहा होगा कि नींद में से उठ के हम लोग बैठ गए हैं ना, क्योंकि आज सुबह हो रहे, अभी कितने बज रहे, 8:15 ना? हाँ, 8:10 हो गए, नहीं 8:15 हो रहे हैं। और हम लोग जा रहे हैं किधर? शहजान के स्कूल में जा रहे हैं, क्योंकि मीटिंग है। तो फिर मैं अकेले जाने वाली थी, लेकिन फिर अभी कल मैसेज आया कि है ना, ड्रेस और बुक्स भी मिलेंगे, शहजान भी रेडी हो गया, मैं भी रेडी हो गई, और बस अभी 5 मिनट में निकलेंगे। तो आज मैं जाने वाली हूँ शहजान को लेके गाड़ी पे। तो फिर मिलती है आपको स्कूल में। स्टेट यू गाइस। Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. तो ये आ गई है बच्चे लोग की स्कूल। और फूफी के घर पे गवंडी, क्योंकि काफी टाइम से फूफी बुला रहे थे, और आज एट द एंड अभी हम तैयार हो गए हैं बच्चे लोग और मैं जा रही हूँ। तो शहजान और अर्श बाहर निकले और मैं भी बस निकल गई, काम कर ली मैंने फटाफट, क्योंकि हम लोग तो जा रहे हैं लेकिन हुसैन घर पर आएंगे तो हुसैन को फिर घर गंदा मिलेगा, तो फिर मुझे डांट पड़ेंगी, बोलेंगे इतने अर्जेंट में तुमको जाने की जरूरत क्या थी, एटलीस्ट घर तो साफ करके जाते। तो अभी निकलने में मुझे बज रहा है 1:45, और इंशाल्लाह मैं 2:30 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगी। तो फिर आपसे मिलते हैं रास्ते में, स्टे ट्यून। आ गए हम लोग स्टेशन, है ना अर्शी, क्या कर रहा है सर? आ गए हम लोग स्टेशन, और अभी कहाँ जा रहे बताओ, चलो तुम लोग कहाँ जा रहे, किसके घर पे जा रहे? मेरी फूफी। तुम लोग ऐसे सब फूफी थोड़ी बोलते, तुम लोग तो दादी बोलते है ना, अमीना दादी। हाँ, तो वहाँ जा रहे हम लोग, और देखो दोनों भी दिन तैयार है, सेम सेम ड्रेस में ना। गरम से परेशान है, बच्चे लोग बोल रहे रात में रुकना नहीं मम्मी, घर पे रिटर्न आएंगे अपन, है ना। अर्शी तो पहले से डन करा के लाया, अगर मम्मी रुकने का है तो हम लोग नहीं आएंगे, नहीं तो फिर तुम ही जाओ, है ना। चलो तो अभी जाते हैं हम लोग। टाइम कितनी देर है? 10 मिनट। ठीक है चलो, फिर मिलते हैं हम लोग आप लोग से ट्रेन में। तो हम लोग पी रहे नींबू पानी, क्योंकि बहुत थक गए स्टेशन उतर के। तो आ गए हम लोग फूफी के घर पे, तो अभी पानी वानी पीते हैं, शेजान की हालत देखो। गाइस आ गए हम लोग फूफी के घर पे, और अभी माशाल्लाह फूफी ने अच्छा खासा खाना पीना बना लिए, और फूफी की बेटी भी आई है, देखो ये शमशाद आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये है फूफी। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये नहीं फूफी, पहले नहीं था, और ये उनकी बेटी, क्या नाम है बेटा? वालेकुम अस्सलाम इल्मा। तो आ गए हम लोग फूफी के घर पे, और दिखाती हूँ अभी फूफी ने क्या क्या खाने में बनाए है। तो ये बनाया है फूफी ने चिकन पुलाव, ये है चिकन फ्राई, और ये हम लोग की फेवरेट काले वटाने की सब्जी, तरकारी, हाँ कोकनी लोग की तरकारी, और यहाँ कट रहे आम। आ जाओ फ्रेंड्स, आप लोग भी सब जन खाना खाने, हम सब भी खाना खाते, और मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। और हम लोग लेटे खाना वाना खाके, माशाल्लाह फूफी ने बहुत अच्छा खाना बनाया थे यार, पर एक चीज में चुक गए, फूफी ने चावल की रोटी नहीं बनाई थी। और बोलो। और तो अभी जा रहे शमशाद अप्पा और उनकी बेटी, जो शमशाद अप्पा है वो फूफी की बेटी है, अभी दोनों जन जा रहे हैं, उनकी बेटी और उनकी बेटी घर जा रहे हैं उन लोग। तो उन लोग बोल रहे चलो घर पे भी आओ, लेकिन अभी मैं बोली अभी तुम्हारे से इधर मिल लिए ना, सही है ना फूफी? सही है। अभी नहीं मिलते तो फिर मैं गई रहती ना, चलना है तेरे को शिवाजी नगर, पर अभी मिल लिए, मार्केट देखने का हमारा, बम्बई से भी अच्छा मार्केट है इधर का। हाँ मैं लेकर जाने दो ना, बाद में आएंगे ना अपन, कभी
बाद में अभी कब आएंगे? आऊ, अरे मैं अभी आती जाती रहूंगी तुम्हारे वहाँ। नहीं सच्ची, साल में एक बार आती है मेरी बच्ची। नहीं साल में भी नहीं, अभी तो समझ लो मैं बहुत साल के बाद आई। अल्लाह हाफिज कर दे। तो ये लोग जा रहे हैं अभी और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं इनके घर पे जाऊंगी। ये बोल रहे थे आने के लिए लेकिन अभी मैं नहीं जा रही क्योंकि क्यों परेशान करूँ मैं अभी उन लोग को भी जाकर। अभी ये इधर मेरे लिए कितने घंटे से बैठे थे, अभी मिल लिए ना बच्चे लोग से, बाद में फिर कभी मिलेंगे। और फूफी लगे अपने चश्मे में क्योंकि फूफी को ऐसा लग रहा है मेरी वीडियो अच्छी नहीं आ रही है तो फूफी चश्मा मंगाई में लगे। हाँ मेरी आँख पड़ती आज। हाँ बहुत काम किया आज फूफी ने, माशाल्लाह इतना अच्छा खाना बनाए, पूरा अच्छे से दस्तर वस्तर सजा के रखे थे, है ना फूफी जी? हाँ हाँ मिला डब्बा नहीं मिला, डब्बे में नहीं था, ये तो बेकार चश्मा चश्मा पहनो अच्छे दिखेंगे। अरे नहीं हा? और फूफी का ये फोटो मैं ना क्या बोलते हैं ना क्लिक करूंगी और थंबनेल पे डालूंगी, आप लोग बताना फूफी कैसे लग रहे हैं। रुको अभी गाइस स्टे ट्यून, ये लोग जा रहे हैं देखो। बाय अल्लाह बोलो माला भी। फ्रेंड्स हो गई हमारा खाना पीना, हम लोग ने तो देख लिए थे और उसके बाद हमने पंखे बंद कर, हाँ चलेगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा आराम कर लिए, आराम करके उठे, अब चाय बन रही है एक तरफ और एक तरफ फूफी ने एक टाइम बना के खाना मेरे को खिलाए और अब मैंने फूफी को बोली कि अब मैं तुमको बना के खिलाऊंगी क्योंकि क्या है फूफी डेली अपने हाथ से अकेले अब खुद ही बना के खाते, तो मैं बोली क्यों नहीं आई हूँ तो थोड़ा फूफी को भी एक टाइम का आराम दे दूँ। तो फूफी बोले नहीं फिर भी मैं चावल की रोटी बनाती हूँ और मैं वापस से अकनी बना रही हूँ। तो चलो खाना वाना बनाते फिर आप लोग से मिलते हैं। मैं तो प्रोसीजर स्टार्ट करी हूँ और अभी तो फिलहाल मैंने आलू वगैरह डाली और ये देखो सब कट करके रखी हूँ। यहाँ पर दही भी मंगा ली हूँ और चिकन हो रही है। तो फ्रेंड्स अभी फूफी, हाँ बैठ जाओ, फूफी गए थे रत्नागिरी तो रत्नागिरी से लेकर आए हैं काजू और रत्नागिरी की स्पेशल नान कटाई और क्या लाए कोकम और मच्छी सूखी मच्छी। तो अभी पुप्पी ने सब दी है देखो मेरे को, रत्नागिरी की नान कटाई देखो रत्नागिरी की ही है वो, ये रहा ये हमारे गांव की रत्नागिरी की स्पेशल नान कटाई और काजू लेकर आए हैं, ये हमारे गांव के कोकम और ये हमारे गांव का अचार। मम्मा एक चीज बोलूं? हाँ बेटा बोल रहा, मेरे को लगा है बेटा ये काजू है, काजू है ये, काजू बहुत टेस्टी रहते, ये ऐसे छिलके खाने के रहते काजू, देखो मेरे को कुछ और ही लगा था, ये देखो बहुत टेस्टी लगते हैं ये, बहुत मीठे रहते कड़क है। तो ये फूफी गए थे अभी रत्नागिरी तो रत्नागिरी से सब लेके आए थे तो फिर अभी दिए है मेरे को, हमारी दावत भी करे वही तो। मैं कई साल हो गया मैं फूफी के घर पे आई नहीं थी तो हमेशा फूफी बोलते थे आएंगी नहीं तू, जब मैं मर जाऊंगी ना तो तुम लोग आना, जब मैं मर जाऊंगी ना तो तुम लोग आना। तो मैं बोली बार बार ऐसे बोलते तो चलो चल के जाके ही आते फूफी के वहां पर। तो फिर रात में फोन करे थे और माशाल्लाह अच्छी मस्त दावत किए, अभी भी खाना मैंने बना दी, थोड़ी हेल्प हो जाएंगी ना उनको नाजियाबाजी लोग आ रहे तो। और ना हुसैन को है ना फूफी के हाथ की अकनी बहुत पसंद है तो हुसैन के लिए भी अखनी लेकर जाऊंगी। फ्रेंड्स यहाँ देखो हमारी चाय आ गई है, चाय लेकर आ गए हैं और ये नाश्ता है। मना कर रही हूँ फूफी को ये सब मत करो तो भी इतना कर रहे जैसा मेहमानों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हाँ फूफी क्या मेहमान लोग की तरह ट्रीट कर रहे? हाँ तो जरूरी है कि इतना सब मंगाना करना, हाँ देखो सुने। तो चलो गाइज आ जाओ चाय पीने के लिए नाश्ता करने के लिए। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ यहाँ से फूफी के घर से, फिर आऊंगी दोबारा इंशाल्लाह। तो चलो फूफी चलती हूँ मैं, अल्लाह हाफिज़।